हे गाइस, आज के इस वीडियो पे हम सीखेंगे इस टाइप के हिंदी स्टिकर्स हम अपने व्हाट्सएप पे कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसके मज़े ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे स्टिकर्स जो हमारे हैं वो हिंदी पे हैं। इन स्टिकर्स को आप कैसे ला सकते हैं अपने फ़ोन पे, साथ ही कुछ पर्सनल स्टिकर्स जैसे कि हमने अपनी फ़ोटो वाले रखे हैं, इनको कैसे यूज करना है और कैसे इनका उपयोग करना है, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चलिए सीख लेते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, इसके लिए कुछ एप्लीकेशन आपको आवश्यकता होगी जिनको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करनी है। चलिए हम आपको बताते हैं वे एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। पहला तो हमें ये पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप, ये वाली एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करनी है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आपको ये ऐप्स मिल जाएगा, या कि फिर आप प्ले स्टोर पर जाके पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपको मिल जाएगी। साथ ही दूसरी एप्लीकेशन है हाइक मैसेंजर ऐप्स, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसको व्हाट्सएप की तरह ही आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। फिर यहाँ पे स्टिकर्स के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी स्टिकर्स आपको यूज करने हैं उसे यहाँ से आपको पहले इंस्टॉल करना है। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपसे बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई स्टिकर्स हम ले लेते हैं, जैसे कि ये ओके वाला स्टिकर्स है, इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड टू चैट, इसको आपको जो है एडिंग करना है। ये जब एडिंग हो जाएगा, ये देखिए एडिंग हो गया है। अगर आप देखेंगे व्हाट्सअप के इस पे तो ये स्टिकर्स डायरेक्ट यहाँ पे अभी नहीं आएगा, कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं व्हाट्सअप पे भी, व्हाट्सअप पे भी ये अभी ऐसे नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कोई भी ओके का ऑप्शन नहीं आया है। चलिए देखते हैं इसके लिए सेटिंग हमें क्या करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपके फाइल मैनेजर पर जाना है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद ये जो आपने स्टिकर्स को हाइक एप्लीकेशन पे इंस्टॉल किया था वो आपके इंटरनल स्टोरेज पे चला जाएगा, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा हाइक का। हाइक के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस स्टिकर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वे सारे आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे जो जो आपने स्टिकर्स इंस्टॉल किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओके का हमने वहाँ से इंस्टॉल किया था, तो ये ओके का जो है सारे स्टिकर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हमको क्या करना है, इन सभी स्टिकर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ऑल सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आप इसे ऑल सेलेक्ट मत करिए, आपको ये पूरा फोल्डर ही जो है सेलेक्ट करना है और इसे कॉपी करके आपको इंटरनल स्टोरेज के यहाँ सबसे ऊपरी भाग पे जो है पेस्ट कर देना है। अभी ये फोल्डर जो है हमारे सामने बन गया होगा। उस फोल्डर को हम ढूंढ के देख लेते हैं, उस पर कोई और अलग से कोई फाइल तो नहीं पड़ी है। तो इस तरह से ये फाइल जो है हमारी इंटरनल स्टोरेज पे मिल गई है। अगर आपको हाइक के स्टिकर्स इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आपको कहाँ ढूंढना उसको मैं आपको बताए दे रहा हूँ। वो अगर आपको उस फोल्डर पे नहीं मिल रहे हैं तो आपको एंड्रॉयड पे जाना है, इसके बाद डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद यहाँ एक आपको हाइक का फोल्डर्स मिल जाएगा, ये वाला, और यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर लीजिएगा। अब अगर स्टिकर्स पे क्लिक करिएगा, अगर वहाँ पे आपके स्टिकर्स नहीं शो हो रहे होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सब करने के बाद जब आपका फोल्डर, तो यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना है इंटरनल स्टोरेज पे, यहाँ जहाँ आपके सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हो गया है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ तो अब आपको क्या करना है, ये आपको पर्सनल स्टिकर्स व्हाट्सएप के फोल्डर पे आना है। अब यहाँ पे ढूंढना है वो वाला फोल्डर जो हमने वहाँ पे जो है पेस्ट किया था। ये देखिए स्टिकर्स वन, ये स्टिकर्स आई का फोल्डर आ जाएगा। इस पर ऐड का करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये सेंडिंग टू व्हाट्सएप कर रहा है, इसके बाद ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि हम व्हाट्सएप पर जो है इसको ऐड कर दें कि नहीं करें। हमें यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर से हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और देखेंगे क्या ये स्टिकर्स जो है वहाँ पे शो करने लगा है या कि नहीं। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे शुरू में ये ओके का जो है
यहाँ पे स्टिकर्स आ गए हैं। अब इसी तरह आप अगर अपना पर्सनल स्टिकर्स बनाते हैं तो स्टिकर्स बनाने के बाद आपको करना क्या है, इस पर्सनल स्टिकर्स वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे जब आ जाएंगे एक फोल्डर बना के रख लीजिएगा अपने इंटरनल स्टोरेज पे, उसके बाद उसका फोल्डर यहाँ पे दिखने लगेगा और उन स्टिकर्स को जो है आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ऑटोमेटिक आपके जो है स्टिकर्स शो होने लगेंगे। दोस्तों ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल